आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड आपके जो हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर होता है, और फर्स्ट पेपर में आपके जो पेपर है उसका नाम है रिद्धिकाल या रिद्धिकालीन काव्य। रिद्धिकाल अथवा रिद्धिकालीन काव्य, इसमें आपके कवि है केशवदास, और केशवदास का दो भाग हमने पढ़ लिए, जिसमें आपके केशवदास की जो व्याख्याएं है वो आपने पढ़ी, और इसके अलावा केशवदास का परिचय भी और उसकी अन्य जो थोड़े महत्वपूर्ण थे वो भी पढ़ा। आज हम इसमें से पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें से आ सकते हैं, और ये प्रश्न जो है केशवदास में, आप जानते हैं केशवदास में से आपके प्रश्न है वो निश्चित रूप से आया करता है, निश्चित रूप से केशवदास पाठ में से आपके प्रश्न आता ही है। तो आप इसको अच्छे से देखें, और इसके माध्यम से यदि हम आज पढ़ेंगे तो इसके माध्यम से इतना हम जान जाएंगे कि केशवदास में से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे अच्छे से हल कर पाएंगे। मेरी उम्मीद यही है, या मैं विश्वास मुझे यही है कि आप इसको अच्छे से पूरा देखेंगे, पूरा क्लियर करेंगे, ताकि आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इसके जितने भी जो मॉडल पेपर वगैरह हैं वो भी आप अच्छे से देख लें। अगर प्रश्न आ जाते हैं कि रीति काव्य परंपरा में केशवदास का आचार्य तो सिद्ध कीजिए, आचार्य तो नाम आ जाता है, तो वहां पे आपको इस प्रकार लिखना है कि रीति काल के प्रमुख सर्जन धर्मी कलाकारों में आचार्य कवि केशव का एक अलग स्थान है। उन्होंने एक और रामचंद्री का जैसा एक प्रबंधात्मक काव्य रचना की थी और अपनी काव्य प्रतिभा का उसमें परिचय दिया। दूसरी ओर उसमें कवि प्रिय और रसिक प्रिय जैसे उत्कृष्ट ग्रंथों का सृजन भी किया, और इसके माध्यम से साहित्य शास्त्र में वो आचार्य पद को अलंकृत किया। अब आचार्य तो है क्या, आचार्य तो क्या है, इसको हमें ऐसे लिखना होगा कि काव्य की परिभाषा, स्वरूप, उसके भेद, काव्य की आत्मा एवं अन्य अंगों की शोभादायक धर्म, गुण और अलंकार, काव्य में प्रयुक्त शब्द, अर्थ, प्रयोजन, इन सभी विविध बिंदुओं की परीक्षा करके अपने सिद्धांत की स्थापना करके किसी लक्षण ग्रंथ की रचना करने वाले विद्वान को आचार्य कहा जाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र में अपने संबंध अपने सिद्धांत की स्थापना करता है या कोई लक्षण ग्रंथ की रचना करता है तो वो आचार्य कहा जाता है। संस्कृत में जैसे इस प्रकार के आचार्यों की एक लंबी परंपरा रही है। वे आचार्य कवि भी होते थे, साहित्य समीक्षक भी होते थे, आलोचक भी होते थे, मार्ग निर्देशक भी होते थे, लेकिन संस्कृत साहित्य का अध्येता होने से क्या है कि केशवदास का झुकाव है वो हिंदी में आचार्य परंपरा की तरफ ज्यादा रहा। केशव के काव्य में आचार्य तो क्या है, देखिए केशव का काव्य है उसमें एक तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, इसके अलावा रामचंद्रिका, इनके आधार पर हम केशव का आचार्य तो सिद्ध कर सकते हैं। इसमें रसिक प्रिया में केशव ने नौ रसों का विवेचन किया है, और नौ रसों का विवेचन करके श्रृंगार रस का एक सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया गया है। श्रृंगार की विभिन्न प्रवृत्तियां बताई है, नायिकाओं नायक नायिकाओं की चेष्टाएं हैं, वियोग की दशाओं का अलग अलग निरूपण किया है। कवि प्रिया में उसने काव्य दोष, काव्य रीतियां, अलंकार, इनका विवेचन लिखा है। छंदमाला में उसने सैकड़ों से अधिक यानी 100 से ज्यादा छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो यूं कह सकते हैं कि वो, और उसने इनके लक्षण अपने आप स्वयं दिए हैं। जैसे रस विवेचन में यदि देखा जाए तो रसिक प्रिया में केशव ने कवियों की तीन श्रेणियां निर्धारित की है। जैसे वो लिखते हैं कि उत्तम मध्यम अधम कविर उत्तम हरिरस्ती, मध्यम मानत मानुष मनीर दोषन अधम प्रवीण। ये इसने मतलब तीन कवियों की श्रेणियां भी निर्धारित की है, तो ये स्वयं ने निर्धारित किए खुद ने। नायक नायिका भेद निरूपण भी किया है उसने। जैसे रसिक प्रिया में केशव ने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा का अनुसरण करते हुए रस विवचन के साथ नायक नायिका भेदों का निरूपण किया है। उसने नायक के चार भेद माने हैं, अनुकूल, दक्षिण, षट और ज्येष्ठ, ये चार प्रकार के भेद उसने माने हैं। अलंकार विवेचन भी किया, अलंकार विवेचन भी उन्होंने अपना मत दिया है अलंकार के संबंध में भी। कवि केशव ने काव्यगत दोष, कवि प्रसिद्धियों, रीतियों, चित्र काव्यों, इनका भेद निरूपण किया है। उन्होंने सबसे ज्यादा काव्य में अलंकारों को महत्व दिया है, और अलंकारों के बारे में वो कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभ्रते भूषण बनोने विराजित कविता बनिता भी। उसने कहा कि हाँ, चाहे आपने कितने अच्छे अक्षरों का प्रयोग किया है, कितने अच्छा लिखा है, लेकिन जब तक काव्य में अलंकार नहीं है, जिस प्रकार आभूषणों के बिना एक नारी इतनी सुंदर नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार अलंकार भी कविता भी सुंदर नहीं लगती है। इसी प्रकार आचार्यत्व में जैसे छंद निरूपण है, केशव ने छंदमाला में अनेक छंदों का उदाहरण सहित विवेचना की है।
उसने छंदों के लक्षण दोहों में प्रस्तुत करके 32 अक्षरों वाले एक अनंग शिखर नामक छंद लिखा है, और उसमें लिख करके उसने 76 छंदों का वर्णन किया है। छंदमाला में उसने 76 छंदों का वर्णन किया है। 32 अक्षरों वाला एक अनंग शिखर नाम एक छंद भी उन्होंने स्वयं लिख प्रस्तुत किया है। तो यानी खुद ने बातें हैं वो लिखी है। पांचवा है काव्य सिद्धांत। कवि प्रिया में केशव का आचार्यत्व स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। उन्होंने काव्य रचना के लिए अनेक निर्देश दिए हैं और कवि के सामने उपस्थित होने वाली बाधाओं की ओर संकेत भी किया है। तो इसका मतलब है कि इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कवि ने आचार्यत्व लिखा है या आचार्यत्व सिद्ध किया जा सकता है। केशव ने आचार्य आनंद वर्धन की तरह कवियों को काव्य उपयोगी सुंदर शब्दों की खोज करने के लिए परिश्रम करने का निर्देश किया है। उन्होंने कहा है कि चरण धरत चिंता करत नींदन भावत शोर, सुवरन को शोधत विरत कवि व्यभिचारी हो चार चोर। सुवरन, सुवरन का मतलब सुवर्ण भी होता है, स्वर्ण भी होता है, और सुवरन जो है नारी को भी कहते हैं। तो यानी जो है कवि व्यभिचारी और चोर, इसने ये स्वयं का दिया हुआ है। तो निष्कर्ष यही है कि संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि केशव जो है रीति काव्य धारा के प्रथम आचार्य कवि सिद्ध होते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि केशव हृदयहीन कवि थे अथवा केशव वो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तब आपको क्या लिखना है? तब लिखना है कि आचार्य कवि केशवदास जो है रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं और वे चमत्कारवादी पांडित्य प्रदर्शन के प्रति विशेष आग्रह रखते थे। अलंकार विहीन कविता को वो सुंदर नहीं मानते थे। जिस प्रकार आभूषण विहीन कामिनी सुंदर नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार अलंकारों के बिना कविता भी सुंदर नहीं लगती, ऐसा उन्होंने लिखा था। और मौलिक छंदों का उनका वर्णन जो वर्गीकरण था, छंदों का वर्गीकरण, वो भी अपना मौलिक था। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहने का कारण है, एक तो उक्ति वैचित्र्य, यानी उनकी जो उक्तियां हैं उनका जो कथन है उसमें विचित्रता है। दूसरी बात यानी अलंकारों के चमत्कारिक प्रदर्शन में उलझे रहे, आचार्यत्व हावी रहा, पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्तियां रही, कलिश शैली में उसने लिखा, रीति परंपरा यानी अत्यंत संक्षिप्त भाषा, भारी भरकम शब्दावली और वाग विदग्धता का पुट अधिक होने के कारण इसको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। उनका जो काव्य है उसका अर्थ ग्रहण में बहुत सारी बाधाएं आती है। रामचंद्रिका में इस प्रकार के बहुत सारे प्रसंग मिल जाते हैं जिनमें अत्यधिक कठिन कल्पना करनी पड़ती है। जैसे देखिए सरस्वती का वर्णन जब उसने किया है तो उसने कहा कि पतिवर्णे चार मुख, पूतवर्णे पांच मुख, नातिवर्णे षट मुख, तदपि नहीं नहीं पतिवर्णे चार मुख यानी जैसे ब्रह्मा जी को, पूतवर्णे पांच मुख शिवे, इसी प्रकार नातिवर्णे कार्तिकेय, तदपि नहीं नहीं तो इनकी कल्पना अलग से करनी पड़ती है। जैसे अति चंचल जहें चल दले विधवा बनी नारी, यहां पर चल दले शब्द का और विधवा शब्द है, इन दोनों में ही जो है अलग अलग अर्थ है। तीन नगरी तीन नागरी प्रतिपद हंसकहीन, जलज हार शो भी जाने, या जलज हार शब्द में इसमें क्या है कि अलग अलग कठिनताएं देखने को मिलती है। कथन की समीक्षा, इस प्रकार केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहकर हम वाग वैदग्ध्य को दूषित करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो कठिन काव्य के प्रेत है। ऐसा ये कहा जा सकता है कि उसने विदग्ध पाठकों के लिए काव्य की रचना की। विदग्ध का मतलब चतुर होता है। विदग्ध का मतलब क्या होता है? चतुर होता है, चतुर यानी जो काव्य में बहुत होशियार होते हैं, उनके लिए उसने रचना की। काव्य के भाव पक्ष को उतना ही महत्व दिया है जितना कि काव्य के शिल्प पक्ष को दिया है। पूर्वाग्रह से ग्रसित आलोचकों ने कठिन उसको कठिन काव्य का प्रेत तथा हृदयहीन कवि कहा है, जो सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार हम निष्कर्ष आपको हमेशा लिखना ही लिखना है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है केशव पहले आचार्य है, बाद में कवि है, और उन्होंने उस काल की चमत्कारवादी प्रवृत्ति के अनुसरण पर काव्य रचना की, जिसमें क्या है कि काव्य में कुछ कुछ दुरुता या कठिनाइयां, कलिशता और पांडित्य प्रदर्शन आ गया है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तब आपको ऐसे लिखना है। अगर प्रश्न आ जाता है कि प्रबंध काव्य की दृष्टि से रामचंद्रिका की विवेचना, प्रबंध काव्य की दृष्टि से रामचंद्रिका की विवेचना कीजिए, तो आपको लिखना है कि रीति काव्य धारा के कवियों में केशव का आचार्य और एक कवि के रूप में अन्यतम स्थान है। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका जो कि राम की कथा पर आश्रित है और इसमें राम कथा का एकदम सुसंबंध वर्णन हुआ है, वर्णन किया गया है, इस कारण ये एक प्रबंध काव्य माना जाता है। अब प्रबंध काव्य क्यों माना जाता है, प्रबंधात्मकता के लिए क्या होता है कि प्रबंध काव्य किसको कहा जाता है? प्रबंध काव्य यानी साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ है उन्होंने लिखा था कि महाकाव्य सर्ग बंधात्मक होता है, उसमें सर्ग होने चाहिए।
प्रारंभ आशीर्वाद से होना चाहिए, नमस्कार या वस्तु निर्देश या मंगलाचार से उसका यानी उसकी शुरुआत होनी चाहिए। दूसरी बात, महाकाव्य वो होता है जिसमें कोई ऐतिहासिक कथा या घटना का चित्रण होता है। चारों पुरुषार्थों का प्रतिपादन इसमें होता है। महाकाव्य में धीरोदात नायक होता है, प्रख्यात वंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन किया जाता है। इसमें नगर, ऋतु, पर्वत, वन, सूर्य, चंद्र, उद्यान, जल क्रीड़ा, मधुपान, इनका प्रसंग के अनुसार वर्णन किया जाता है। इसमें विविध छंद होने चाहिए और विभिन्न प्रकार के कथानायकों का अभ्युदय किया जाना चाहिए। महाकाव्य में श्रृंगार और वीर में से एक प्रधान रस होना चाहिए, या तो श्रृंगार होता है या वीर होता है, और इनके साथ साथ अन्य रस होते हैं उनका भी समावेश होना चाहिए। ये तो महाकाव्य के लिए आवश्यक स्थितियां होती है, आवश्यक बातें होती है। अब रामचंद्रिका में महाकाव्य का निर्वाह कहां तक हुआ है वो यदि हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि रामचंद्रिका में कथानक सर्गों में विभक्त है, उसमें सर्ग के आधार पर है। उसकी शुरुआत है वो आशीर्वाद से शुरू है, मंगलाचरण से शुरू है, सरस्वती की वंदना है उसमें। रामचंद्रिका की कथा वस्तु भी ऐतिहासिक है क्योंकि श्री राम के जीवन पर आधारित है। इसके नायक है वो रामचंद्र जो धीरोदात है और विष्णु के अवतार भी है। चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाला, जिसमें धर्म अर्थ काम तीनों फलों की प्राप्ति होती है, और अंतिम पुरुष जो मोक्ष है, इसका संबंध राम स्वयं मोक्ष दाता है, इसलिए इसमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी हो जाती है। इसी के साथ साथ रामचंद्रिका में जिसे नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, सूर्योदय, उद्यान सभी का वर्णन किया गया है। राम और सीता के वीर्य का वर्णन भी है और उसमें मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है। विभिन्न रसों की और भी अभिव्यक्ति हुई है। तो ये जो आवश्यक तत्व है वो इसमें बिल्कुल बखूबी आपको मिलते हैं। अन्य प्रमुख तत्वों का निर्वाह भी है। प्रबंध काव्य के अन्य प्रमुख तत्व जैसे कथा संगठन है, प्रकृति का चित्रण होना चाहिए, भावात्मक चित्रण होना चाहिए, हृदय स्पर्शी मार्मिक स्थल होने चाहिए, तो इसमें सारे मिलते हैं। जैसे धरे एक बेणी मिली मेले सारी मृणाली मनोपंक ते काड़ी डाली, तो ये जैसे इसमें सारी चीजें वो मिल जाती है। रामचंद्रिका के प्रबंध काव्य में कुछ दोष भी है, वो तो प्रबंध काव्य की अनुकूल स्थितियां थी, अब प्रतिकूल भी है। जैसे पहली बात है मार्मिक प्रसंगों की अवहेलना है। रामचंद्रिका में जो मार्मिक प्रसंग है रामायण के, उनकी अवहेलना की गई है। जैसे राम का जो वनगमन होता है, राजा कैकेयी जो राजा दशरथ से दो वर मांगती है, तो उसमें जिस तरह से एक व्याकुलता का चित्रण होना चाहिए था वैसा उसमें नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ एक दो अंतरे में ही उसको पूरा कर दिया गया है, जबकि तुलसी की यदि हम रामचरितमानस देखते हैं तो उसमें भरा पड़ा है। अयोध्या वासियों की व्याकुलता का केशव ने कोई वर्णन नहीं किया। दो तीन पंक्तियों में इतना ही बता दिया जाता है कि भरत जो है वलकल धारण करता है, गंगा तट पर जाता है और चित्रकूट जाने का वर्णन कर दिया जाता है। इतने में जैसे पहिरे वलकला जुजटा धरिके जिन पाइन पंत चले अरिके, तारी गंग गए गुह संग लिए चित्रकूट लोक ते छोड़ दिए, बस इतने में ही उसने पूरा कर दिया। जबकि ये मार्मिक प्रसंग जो होते हैं वहां पर अवहेलना की गई। दूसरी बात है असंबंध प्रसंगों की योजना भी है। केशव अलंकारवादी प्रवृत्ति से ग्रस्त रहे, इस कारण प्रसंगगत मार्मिकता को वो छू नहीं सके। वर्णन विस्तार की प्रियता, रामचंद्रिका में अनेक ऐसे वर्णन है जिनमें कवि की वर्णन विस्तार प्रियता प्रकट हुई है। जैसे अयोध्या का वर्णन है, पंचवटी का वर्णन है, गोदावरी का वर्णन है, तो इनसे हम ये देखें तो इसमें जैसे महाकाव्यत्व में विशेष बाधाएं भी उत्पन्न हुई है। निष्कर्ष के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि वो एक प्रबंधकार कि जो प्रतिभा और कवित्व शक्ति जो होनी चाहिए वो केशव में थी, और इसका ये जरूर है कि वो पांडित्य प्रदर्शन के मोह में क्या है थोड़ी कलिष्ठता और रुक्षता उनके काव्य में जरूर आ गई थी। अगर प्रश्न आ जाता है कि केशव ने मार्मिक स्थलों को भली भांति पहचाना है, इस कथन की पुष्टि कीजिए मार्मिक स्थलों को, तो आपको क्या लिखना है? ये लिखना है कि रीति काल में आचार्यत्व और कवित्व की प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले केशव का सर्वोपरि स्थान है, और उन्होंने रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला जैसे उत्कृष्ट लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। इसके लिए से सबसे पहले केशव की काव्य प्रतिभा, रामचंद्रिका केशव की कवि प्रतिभा की एक श्रेष्ठ कृति है। इसके कथानक या इसके जो अध्याय है प्रकाशों में विभाजित है, संवाद योजना है, छंद विधान भी प्रशंसनीय है, कठिन काव्य का प्रेत का आरोप लगता है। रीतिकाल के आचार्य कवि होने के कारण केशव की काव्य में उक्ति विचित्रता आ जाती है, अलंकारों की चमत्कार प्रवृत्ति आ जाती है, साथ ही पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है, वो आक्रांत रहते हैं। तो इसलिए क्या है, इन प्रवृत्तियों को देख करके कुछ आलोचकों ने क्या है केशव को एक कठिन काव्य का प्रेत कह दिया गया।
इसके अलावा केशव की मार्मिक स्थलों की अवधारणा, केशव की मार्मिक स्थलों की अवधारणा रामचंद्रिका में, यद्यपि हालांकि कम स्थल है लेकिन फिर भी उसमें कई ऐसे स्थान है जिनमें भावुकता का परिचय दिया है, जैसे दशरथ द्वारा राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने में, राम सीता की विरह व्यथा है, लक्ष्मण का शक्तिबाण से घायल होना है, भरत और केकई का संवाद है, अशोक वाटिका में सीता की स्थिति को दर्शाना है। ये कुछ मार्मिक स्थल भी है जिनसे केशव ने कोमल भावानुभूति व्यक्त की है। जैसे देखिए इसमें लिखा है कि मगको श्रम श्रीपति दूर करे सियको शुभ बलकल अंचल सु श्रमतेव हरे तियको कही केशव चंचल चारु त्रिगंचल सु। कितनी अच्छी बात कही। जैसे इसी प्रकार है, प्यू प्यू रटती रहती चित चातक जो चल चित्त चकई चू वह रहती है सुनहू नृप राम भी रहती हारे ऐसी सूरत ने सीताजू की मूर्ति कहती है। यानी जब अंगद से पूछा गया तो उसने कहा कि, या लक्ष्मण से पूछा गया, इसे हनुमान से राम ने पूछा कि सीता कैसे रहती है, तब वो कहती है वो प्यू प्यू चातकी की तरह रटती रहती है और तुम्हारी ही मूर्ति उसके हृदय में बसी हुई है। लक्ष्मण को जब शक्तिबाण लगता है तब शक्तिबाण लगने पर भी उसने कई अच्छी वर्णन किया है, जैसे बारक लक्ष्मण मोहि बिलोको मोके प्राण चले तजी रोको, अर्थात लक्ष्मण मेरे प्राण जा रहे हैं तुम स्वयं उठ करके रोको, हूँ सुमरी है गुण केतिक तेरे सोदर पुत्र सहायक मेरे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है केशव जो है एक प्रबंधकार के अनुरूप और कथा संकलन के मार्मिक स्थलों को पहचानने में उसकी सहृदयता पर्याप्त थी, परंतु उसमें उक्ति वैचित्र्य और चमत्कारी वादी प्रवृत्ति अलंकारात्मक शैली के कारण कुछ स्थान जो है वो कलिष्टता और रुक्षता से समा गए। केशव की एक संवाद योजना भी मार्मिक संवाद योजना है। केशव की मार्मिक संवाद योजना रामचंद्रिका में नाटक के संवादों का संवेश करने की एक मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया उसमें, यानी इसमें संवाद जो है नाटकीय संवाद, जिस प्रकार एक नाटक में आमने सामने जो संवाद होते हैं ठीक उसी प्रकार केशव की ये इस रचना में एक नाटकीय संवाद बहुत ही उत्कृष्ट है। इसमें लिखा भी है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में मिली। जैसे रामचंद्रिका मुख्य रूप से छह प्रकार के संवाद मिलते हैं। कितने? छह प्रकार के संवाद मिलते हैं और छह प्रकार के संवाद, सबसे पहला संवाद है गद्यात्मक संवाद। गद्यात्मक संवाद इस तरह के संवाद कथा विकास को गति देते हैं और रामचंद्रिका में जैसे रावण और बाणासुर का संवाद और मारीच का संवाद ऐसे ही संवाद है। रावण और मारीच का संवाद जो है वो भी ऐसे ही है। रावण जो है, रावण सबसे पहले मारीच से कहता है कि तू अब हो ही सहायक मेरो हो बहुतो गुणमानी है तेरो, अर्थात मेरा सहायक बन जाओ, मैं जो कहता हूं तो वो काम करो, जो हरि सीत ही रावण पे वे ब्रह्म शोक नहीं मरिजे। मारीच कहता है किरण ही मानुष के जन जानो पूर्ण चौदह लोक भगवान, अर्थात युद्ध में जिनको तुम मनुष्य समझ रहे हो वे चौदह लोकों के, अर्थात चौदह लोकों के ईश्वर हैं, तुम क्या बात करते हो, अर्थात इनका एक संवाद है बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दूसरा इसके संवाददाता चरित्रोद्घाटक, अर्थात ऐसे संवाद है जिसमें चरित्र का उद्घाटन हो जाता है। जैसे रामचंद्रिका में ऐसे संवाद बहुत है, जैसे जनक विश्वामित्र संवाद है, वामदेव परशुराम संवाद है, राम परशुराम संवाद है, हनुमान रावण संवाद है, अशोक वाटिका में सीता और रावण का संवाद है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूर्व घटना सूचक संवाद भी आते हैं। पूर्व घटना सूचक संवाद में जैसे भरत केकई का संवाद है, उसको लिया जा सकता है। भरत जाओ जो माँ केकई से पूछता है कि माँ तू कहां रहे, माँ कहती है तात गए सुरलोक कही क्यों सुत शोक लाए, क्यों गए पुत्र शोक के कारण, सुत को न सु राम कहां है अभी, अर्थात वो अब श्री राम कहां है, वन लखन सीए समेत गए, वन काज कहां वनवास में क्यों गए, केवल मोसुक तो को कहां शुक्रिया तब है, अर्थात ये जो है यानी पूर्व घटना सूचक संवाद भी है, पूर्व घटना का इसमें वर्णन भी किया गया है। चौथा है जैसे प्रश्नोत्तर मूलक संवाद है, उसमें नाटकीयता और प्रभावोत्पादकता अधिक है। ऐसी दृष्टि में रामचंद्रिका में जैसे हनुमान रावण संवाद है, अंगद रावण संवाद है, ये सारे के सारे संवाद जो है प्रश्नोत्तर मूलक संवाद लिए जा सकते हैं। जैसे जब उससे हनुमान से पूछा जाता है, रावण पूछता है रे कपि कौन है तू, हनुमान से पूछता है रे कपि कौन है तू, अरे वानर तू कौन है, अच्छक को घातक मतलब तुम्हारे अक्षय कुमार को मारने वाला, दूत बलि रघुनंदन जो और भगवान राम का दूत, तो उसने पूछा को रघुनंदन रे रघुनंदन कौन है, तब वो रघुनंदन का परिचय देते हैं कि तीसरा खरदूषण दूषण भूषण भूप, अर्थात जिन्होंने तीसरा खरदूषण और आपके कई राक्षसों को मार दिया था। तब कहा कि सागर कैसे तरियो, अरे तुमने समुद्र को कैसे पार किया, जस गोपद
जिसे गाय का खोज पार किया जाता है। अरे काज कहां, यहां किस काम के लिए आया है? सीए चोरा ही देखो, सीता को चुराने वाले की खोज में। कैसे बंधाए हो, फिर तू बंधा कैसे? तो उन्होंने कहा, जो सुंदरी तेरी छुद्र को शोभत पातक देखो, जब मैं मंदिर में प्रवेश किया, महल में प्रवेश किया, तो तुम्हारे इस मंदिर में सो रही उन युवतियों पर मेरी नजर पड़ गई, जिस पाप के कारण मैं बताया हूं, नहीं तो मैं बंधाने वाला नहीं था। व्यंग्यात्मक संवाद भी है। व्यंग्यात्मक संवाद जो है अपेक्षाकृत रुचिकर और प्रभावकारी है, जैसे परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है। राम कहता है, भृगुकुल कमल दिनेश सुनी ज्योति सकल संसार, क्यों चलिए इन शिशुन पर डारत हूं जिस पार। अर्थात आप छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार क्यों कर रहे हैं? तब परशुराम कहता है कि राम सुबंधु समारी छोड़त हूं सर प्राण हर, देहु त्यारण डार हाथ समेत न वेले। उसने कहा कि नहीं, मैं मारूंगा। मतलब इस प्रकार के संवाद भी है। इसके अलावा भावानुकूल संवाद भी है। भावानुकूल संवाद में से आंतरिक भावों को अभिव्यक्त करने की करने में वो सफल रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि भगन भयो हर धनु साले तुमको अब शाले, वृथा हुई विधि सृषि ईश आसन ते चाले। इस प्रकार के संवाद भी। इसके अलावा कूटनीतिक संवाद भी है। कूटनीतिक संवाद में जैसे अंगद रावण में कूटनीतिक संवाद का पुट भी है। रावण अंगद की भावनाओं को भड़का करके राम का विरोधी बनाने की चेष्टा करता है। यानी रावण है वो अंगद से कहता है कि तुम्हारे बाप को मारने वाला भी तो ये राम ही तो था। और वो कूटनीतिक चाल में क्या कहता है, इसको बिलगु न मानिए कहीं केशव कुल आदि, पानी पावक पवन प्रफुल्ल ज्यों असाधु तुम साधु। तब वो रंगत कहता है कि नहीं, जिस बात को तुम मानते हो वो बात मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती है। परिचयात्मक संवाद है। रामचंद्रिका में कई ऐसे संवाद मिलते हैं जिसमें वो परिचय देते हुए दिए गए हैं। नाटकीय संवाद भी है जिसमें नाटक का सा आभास होता है। जैसे पढ़ो बिरंची मोन वेद जीव सोर छोड़ी रे, कुबेर वेर कह कहीं न यक्ष भीर मांडी रे, दिनेश जाई दूर बेठी नारद ही संग ही, न बाल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। यानी इसमें नाटकीय संवाद भी है। आध्यात्मिक संवाद भी इसमें देखने को मिलते हैं। आध्यात्मिक संवाद जो है बहुत सारे संवाद है। इसमें राम और वशिष्ठ का संवाद इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आध्यात्मिक संवाद है। श्री राम जो है वो कहते हैं कि जीव बंधे सब अपनी माया, कीने कुकर्म मानो बचकाया, जीवन वित्त प्रबंधन आनो और जीवन मुक्त के मर्म खानो। अर्थात जीवन को अपने जीव को मुक्त करना ही इस संसार का रहस्य है। तो वशिष्ठ कहते हैं, बाहर हूं अनिशुद्ध ही हूं, चाहिन लागत कर्म किए हूं, ताकह जीवन मुक्त खानो। अर्थात जो बाहर हूं अनिशुद्ध ही हूं, यानी केवल बाहर से शुद्ध दिखने वाला नहीं, अंदर से जो व्यक्ति शुद्ध होता है वो अपने जीवन को मुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि रामचंद्रिका में संवाद योजना निश्चय ही प्रशंसनीय है। केशव की अलंकार योजना आज आ जाता है कि केशव की अलंकार योजना समझाइए। तो केशव की अलंकार योजना में केशव कहते हैं कि जिस प्रकार कविता कामिनी को, यानी जिस प्रकार एक कामिनी को नारी को सजाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कविता को समाज सजाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। और वो अलंकारों की विशेष महत्ता को प्रकट करते वो लिखते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षण सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनों ने बिराजेरी कविता बनिता मित। केशव की अलंकार योजना में उसने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है। जैसे श्लेष का प्रयोग कहते हैं कि विधि के समान विमानीकृत राजहंस, विबुद विबुद ये तु मेरुषि अचल है, दीपति दीपति शिव अतिशातो दीप दीपी यत दूसरो दिलीप सुदक्षिणा को बल है। सुदक्षिणा यहाँ पर जो है राजा दिलीप की पत्नी का नाम है। तो इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास का प्रयोग भी है। से अनुप्रास का प्रयोग इसमें कहाँ पे बताता है, तो वो जब पंचवटी का वर्णन करता है कि सब जाति फटी दुख की दपटी कपटी न रह जाए एक घटी, निगटी रुचि बीचू गटी हु गटी जग जीव जतिन की छूटी तटी। इसमें टे टे की आवृत्ति हो रही है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकारों का भी उसने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। शिव को कच सो दुकाहो करुणामय है करुणा करके, यहाँ पर करुणामय और करुणामय इसमें दोनों में यमक अलंकार भी है। वक्रोक्ति का प्रयोग भी उसने लिखा है। वक्रोक्ति में श्लेष और काकु दोनों प्रकार लिखे हैं। गिरिराज तो गुरु जानिए सुरराज तनु हाथ ले, सुख पाय ताही चढ़ाए के घर जा ही रे यश साथ ले। उपमा अलंकारों का भी बहुत सारे जगह प्रयोग किया है इसने। उपमा का जैसे शुभ द्रोण गिरि मणि शिखर ऊपर उदित औषधि शी गनो। देखिये बहुशत मुख धुमनि दुपित अंगन हरि की शी अनुहारी, इसमें उपमा है। उत्प्रेक्षा का भी उन्होंने बहुत सारी जगह प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा का जैसे
व्योम में मुनि देखी जे अति लाल श्री मुख साधही सिंधु में बड़वा गनि की जनु ज्वाल माल विराज। जनु इसमें आ जाता है सो प्रेक्ष अलंकार होता ही है। इसी प्रकार जैसे देखिये चिंतामणि सी मणि दई रघुपति कर हनुमान सीता जू को मन रगे और जनु अनुराग आनंद। इस प्रकार इसमें भी कौन सा अलंकार है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके अच्छे से समझ में आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।